हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी केवल 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता की रेसिपी। जब कभी भी बहुत जोर वाली भूख लगी हो और रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं हो रहा हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आपको ये नाश्ता की रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, उसमें गेहूँ का आटा डाल लेंगे और साथ ही इसमें 2 चम्मच जितना बेसन डालेंगे, जिससे ये नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटा से भी इस नाश्ता को बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से क्रश किया हुआ गाजर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ फूल गोभी, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा नाश्ते में, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार पहले मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच इनो डाल लेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं हो तो आप इसमें खाने वाला सोडा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर उसके बिना भी बनाना चाहेंगे तो नाश्ता बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तो आइए अब इससे नाश्ता बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को गर्म कर लिया है। आप चाहें तो कढ़ाई की जगह पर पैन या तवा भी ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा बैटर लेते जाएंगे और इस तरीके से कढ़ाई के बीच में हम डालते जाएंगे और छोटे छोटे साइजों का हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। और नाश्ता को सेकते समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। ये ऊपर से हल्की सी ड्राई हो चुकी है, इसका मतलब नाश्ता सिक चुका है। इसको दूसरी तरफ पलट लेते हैं और दूसरी ओर से भी थोड़ी देर सिकने तक इसको पका लेंगे। नाश्ता को दूसरे साइड सीखते हुए थोड़ी देर हो चुका है, ये दूसरे साइड भी अच्छे से सीख चुकी है, तो इसको निकाल लेते हैं। और अब इसी तरह से हम दूसरे नाश्ते को भी सेक लेंगे। इस नाश्ते को भी सीखते हुए थोड़ी देर हो चुका है, इसे भी पलट लेते हैं और दूसरी साइड से इसको भी थोड़ी देर सेक लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा नाश्ता भी सीख कर तैयार हो चुका है। सारे नाश्ते को इसी प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय और बहुत ही कम सामग्री से ये हमारा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप सुबह शाम के नाश्ते में या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है नाश्ता और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नाश्ता की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस नाश्ता की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।